तो दोस्तों वन प्लस की नॉर्ड सीरीज़ का एकदम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन की बात करें तो वन प्लस नॉर्ड 2T के नाम से स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलने वाला है। और बाकी जो सभी स्पेक्स है वो भी काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि सभी स्पेक्स स्मार्टफोन की निकल करके आ चुकी है। साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि स्मार्टफोन किस प्राइस तक इंडिया मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर इसी वन प्लस के नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा वीडियो होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने पहले आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही नए स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोज रोजाना मिलती रहती है। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर एक नहीं बल्कि दो स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं वन प्लस की तरफ से। अब देखिए जो पहला स्मार्टफोन होगा वो होगा वन प्लस का नॉर्ड CE2 जो कि 11 फरवरी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद के एंड तक आपको इंडिया मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो दूसरा स्मार्टफोन होगा वो होगा वन प्लस का नोट 2T। स्मार्टफोन की इस प्राइस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि यहां पर आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में ओके सा ये डिवाइस होने वाला है बट यहां पर जो डिजाइन होगा वो वन प्लस के नोट 2 वाला ही देखने को मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वन प्लस 9 सीरीज वाला डिजाइन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। डिजाइन यहां पर काफी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है। पीछे का प्लास्टिक बैक डिजाइन दिया जाएगा, एल्युमिनियम का फ्रेम होने वाला है। कोरिंग कोकला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आपको डिस्प्ले पर देखने को मिलने वाली है। तो काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन होने वाला है, प्राइस यहाँ पर काफी कम होने वाली है तो काफी अच्छी है रहने वाला है। साथ ही बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर के प्रोसेसर की तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बता दिया था वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको यहाँ पर मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1300 के साथ में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी, UFS 2.2 स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन का आपको टोटल 3 वेरियंट जो है देखने को मिल जाएगा। जो बेस वेरियंट होगा वो 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आएगा। जो सेकंड वेरियंट होगा 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आएगा। जो थर्ड वेरियंट होगा वो 8GB RAM प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो इसके बारे में भी कुछ भी डिटेल्स निकल करके नहीं है ये, लेकिन जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो बताई जा रही है 32,000 रुपये में आपको 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्पेक्स को देखते हुए मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर के तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। मेरे हिसाब से तो 27,000 रुपये या फिर 28,000 रुपये में इंडिया मार्केट में लॉन्च होना चाहिए 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में, तो शायद थोड़ा और बेहतर ये स्मार्टफोन हो सकता है। अदरवाइज 30K से ऊपर अगर ये जाता है तो ओवर प्राइसिंग का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। साथ ही बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और USB टाइप सी पोर्ट के साथ आपको 80W का फास्ट चार्जर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है बट यहाँ पर रिफ्रेश रेट मुझे थोड़ा सा कम लगा। 90Hz की जगह अगर 120Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कराते चाहे फिर 32,000 में ही लॉन्च करते तो शायद और बेहतर स्मार्टफोन हो सकता था। अदरवाइज बाकी सभी स्पेक्स को देखने के बाद स्मार्टफोन में यही कहूँगा कि 28,000 रुपये में ही लॉन्च कराया जाए इंडिया मार्केट में तो ही ये स्मार्टफोन बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज इस स्मार्टफोन को ओवर प्राइसिंग का सामना 100% करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें वन प्लस के नॉर्ड CE2 स्मार्टफोन की तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो रोजाना मिलती रहे। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।